एकादशी क्या है और एकादशी प्रकट कैसे हुई, इस कथा का आज हम श्रवण करेंगे। ये एकादशी तिथि भी भगवान से ही प्रकट हुई है, पर भगवान से अभिन्न है, भगवान से भिन्न नहीं है। जब देवासुर संग्राम हुआ तो मूर नाम के असुर ने सबको जीत लिया, सारे देवी देवताओं तीनों लोग सबको जीत लिया। तो सारे देवी देवता भोलेनाथ के पास गए। अब भोलेनाथ को अपनी विपदा सुनाई तो महादेव जी बोले कि मैं तो नहीं दूर कर सकता, चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तो सब लोग आए, विष्णु भगवान के पास आए, क्षीर सागर के तट पर आए, बहुत सुंदर स्तुति हुई, भगवान प्रकट हुए। सारी विपदा सुनकर भगवान चल पड़े उस मूर नाम के राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन इस मूर असुर को ब्रह्मा जी वर दे चुके थे कि विष्णु से भी नहीं मरेगा, किसी से नहीं मरने का इसे वरदान दे चुके थे। और खास करके विष्णु से तो मरेगा ही, क्योंकि विष्णु भगवान सारे राक्षसों को, सारे असुरों को मार रहे थे। अतः स्पेशली इसने वरदान लिया था कि भाई मुझे ऐसा वरदान दो कि विष्णु भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दो। तो वरदान लेकर बड़ा गदगद था, बहुत खुश था, सारे देवताओं को पराजित कर दिया। अब विष्णु भगवान इससे युद्ध करने के लिए गए तो भगवान विष्णु और मूर नाम के राक्षस के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ दोनों के बीच। बहुत दिनों तक युद्ध चला। तो भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा, लेकिन मूर के पास तो वरदान था कि वो विष्णु से भी नहीं मरेगा, विष्णु के सुदर्शन से भी नहीं मरेगा। तो मूर का वध ना करके सुदर्शन वापिस आ गया। सुदर्शन लौट आए, देवताओं में हाहाकार मच गया। अब यदि भगवान नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा, इसके अलावा बहुत बच कौन गया भाई जो मारने वाला है, कोई नहीं बचा। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। तो सुदर्शन लौट आया, देवताओं में हाहाकार मच गया। भगवान ने भी एक लीला की थी, भगवान की लीला थी, और भगवान युद्ध छोड़कर भाग गए। जब सुदर्शन वापिस आ गया तो भगवान युद्ध को छोड़कर भाग गए, चले गए भगवान। तो भगवान युद्ध छोड़कर चले गए और मूर ने पीछा किया भगवान का। तो भगवान जाकर बद्रिका आश्रम की गुफा में जाकर लेट गए, भगवान विश्राम करने लगे, शयन करने लगे। देखिए भगवान भागते, इसके पीछे भी लीला है, इसलिए भगवान का एक नाम भी है। क्या नाम है? रणछोड़ राय। रणछोड़ राय की मंदिर भी है राजस्थान में। भगवान ये लीला करते हैं, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि भगवान उसे डर के भाग गए। अभी देखिए आगे भगवान क्या करते हैं। तो भगवान जाके उस गुफा में लेट गए, भगवान वहां सो गए, शयन करने लगे। तो ये मूर नाम का असुर अपने समस्त शस्त्रों के साथ आया और भगवान के ऊपर हमला कर दिया। उसने सोचा अच्छा है, सो रहा है, अभी मैं मार दूंगा इसको। लेकिन जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय भगवान के हृदय से एक कन्या उत्पन्न हुई, पूरे यस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उस कन्या ने मूर के साथ युद्ध किया, भयंकर युद्ध किया। बहुत दिनों तक युद्ध चला, घमासान युद्ध छिड़ा। उस देवी ने मूर के समस्त सैनिकों को मार डाला, समस्त अस्त्र शस्त्र को विध्वंस कर डाला और अंतिम प्रहार किया, उस मूर असुर को मार दिया। देवता लोग प्रसन्न हो गए, फूलों की वर्षा हुई। अब जब भगवान उठे तो देखा ये उनकी लीला है। देखिए हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भगवान की ही लीला है, ये उनकी लीला है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वर दे के रखा था, ब्रह्मा जी के वर की भी मर्यादा रखनी थी, मान रखनी थी। ऐसा है कि भगवान नहीं मार सकते थे उस असुर को, बिल्कुल मार सकते थे। जब उनकी एक शक्ति, जो उनसे एक शक्ति प्रकट हुई, उसने उस असुर को मार दिया, तो क्या भगवान नहीं मार सकते थे? जो समस्त शक्तियों के निधान है, जिनसे सारी शक्तियां प्रकट होती है, क्या वो नहीं मार सकते थे उस मूर नाम के असुर? बिल्कुल मार सकते थे, लेकिन ये भक्त तो भगवान की लीला है ब्रह्मा जी के वचन का मान रखने के लिए और इस कन्या को, इस शक्ति को प्रकट करने के लिए भगवान ने एक लीला की है। भगवान जगे। अब देखिए वो देवी, वो शक्ति कन्या क्या कहती है भगवान से।
भगवान ने उस कन्या से पूछा कि देवी आप कौन हो? वो कन्या अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई। प्रभु मैं आपकी ही एक दासी हूं और आपके ही शरीर से प्रकट हुई हूँ, आपकी ही सेवा करने के लिए प्रकट हुई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए उसकी विनम्रता और उसके द्वारा कहे गए वचन को सुनकर। भगवान प्रसन्न होकर बोले, आज एका है, एका मणे ग्यारहवा एकादशी, ग्यारहवा दिन है, अतः तुम एका को प्रयोग हुए हो, प्रकट हुए हो, अतः इस तिथि को जो कोई भी तुम्हारा व्रत करेगा, एकादशी का व्रत करेगा, एकाद के दिन प्रकट हुई इसीलिए इसका नाम हुआ एकादशी। और भगवान ने इनको वरदान दिया कि तुम मेरे शरीर से प्रकट हुई हो, जाओ मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जो तेरे इस दिन में व्रत करेगा उसे अष्ट सिद्धियाँ नव निधियाँ प्राप्त होगी, सभी प्रकार के मुक्तियाँ मिलेगी, सभी प्रकार के मुश्किलों से उसका हल होगा और मुझ परमात्मा में जो दुर्लभ प्रेम रहता मुझको भी प्राप्त करने वाली शक्तियाँ हैं वो उस एकादशी तिथि के व्रत को करने वाले को मिलेगी। जैसे पुरुषोत्तम मास को भगवान ने वरदान दिया है ना कि इसमें जो भी कथा सुनेगा, जो जप करेगा उसे 1000 गुना हजार गुना ज़्यादा फल मिलेगा, वैसे ही एकादशी तिथि को वरदान दिया कि जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। अब पुरुषोत्तम मास तो 3 साल में एक बार आता है लेकिन एकादशी तिथि अरे महीने में 2 बार आता है। पुरुषोत्तम मास का वेट करेंगे पता नहीं तब तक रहेंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन एकादशी तिथि तो हर एक महीने में 2-2 बार आती है, इसलिए हमें हर एकादशी तिथि को बड़े ही सहजता से सरलता से पालन करना चाहिए। कहते हैं ना माधव तिथि जत में पालन करे, माधव तिथि को जतन कर कर, यतन करके, मेहनत करके, भगवान के नाम को गा करके उसका पालन करना चाहिए। सारी शक्ति दे दी भगवान ने एकादशी को, जितनी शक्तियां थी बोली सब तुम्हारा है, अत्यंत दुर्लभ वस्तु भी जो तुम्हारा व्रत करेगा उसे मिलेगा, और सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? कृष्ण प्रेम। एक लड़का एक लड़की से प्रेम कर सकता है, पिता पिता अपने बेटे से प्रेम कर सकता है, वाइफ अपने हस्बैंड से, हस्बैंड अपने वाइफ से प्रेम कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी, लेकिन कृष्ण से प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें एक्चुअल में, ओरिजिनल में, वास्तव में यदि किसी से प्रेम भी करना चाहिए कृष्ण से ही, क्योंकि देखिए कितने भी प्रेम हुए वो सब खत्म हुए लेकिन मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया आज तक खत्म नहीं, प्रहलाद ने कृष्ण से प्रेम किया आज तक खत्म नहीं हुआ, ध्रुव महाराज ने कृष्ण से प्रेम किया आज तक खत्म नहीं हुआ। इसलिए हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए जो कि अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं कि धन दौलत से लोग प्रेम करते हैं लेकिन यदि आप कृष्ण से प्रेम करोगे तो धन दौलत तो ऐसे ही मिल जाएगी, पता चला कि उसका तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं रह गया यदि कृष्ण मिल जाए तो। इस प्रकार से भक्तों में एकादशी की महिमा का पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए जो अत्यंत ही शुभ है, समस्त मंगलों को देने वाली है, भगवान कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है। ऐसे 24वीं एकादशी का हमें पालन करना चाहिए। एकादशी में भी छूट है, जिससे ना हो सके उसको अपना शरीर को गलाना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो जरूर करना चाहिए, उपवास तो उसे जरूर करना चाहिए। अब उपवास माने क्या होता है भाई? उप माने निकट और वास माने बैठना, तो भगवान के निकट उसे जरूर बैठना चाहिए। उपवास ऐसा नहीं कि खाली अन्न छोड़ दिए तो उपवास होता है, अपना द्वेष छोड़ना, राग छोड़ना, क्रोध छोड़ना, काम छोड़ना, ये सब भी एक उपवास ही है। और आज के युग में तो सबसे बड़ा उपवास क्या है? इस मोबाइल को छोड़ देना। अन्न को छोड़कर रह सकते लेकिन मोबाइल को छोड़कर नहीं रह सकते, तो आज के युग में सबसे बड़ा उपवास है मोबाइल को छोड़िए, उस दिन जप कीजिए। हमारे प्रभुपाद जी ने रूल बनाया कि आन दिन 16 माला करना है लेकिन एकादशी के दिन 25 माला करना है, तो एकादशी के दिन 25 माला करना चाहिए।
गत सत्र में भगवान ने यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बहुत सुंदर हम लोग यहाँ पे कृष्ण कथा भी श्रवण करते आ रहे हैं। तो गत सत्र में भगवान ने यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मानो कृष्ण बता रहे हो कि मैया, मैं जो कह रहा हूं ना कि मैंने माटी नहीं खाई, झूठ नहीं बोल रहा हूं, तू ऐसा कह रही है ना कि तूने माटी खाई, तो मैया मैंने अकेले ने नहीं खाई है, ये जो लोग तुम्हारे पास शिकायत करने आए उन्होंने भी माटी खाई, और मैया इस दुनिया में रहने वाले करोड़ों करोड़ों जीवों ने माटी खाई, और मैया तू क्या मुझे डांटेगी, माटी तो तूने भी खाई है, और विश्वास नहीं तो देख लो मेरे मुख में। यशोदा का दर्शन ही कृष्ण के मुख में यशोदा ने किया। आई थी कृष्ण को डांटने के लिए, देखकर मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण ने ही जल छिड़क कर उठाया, उसमें लाया, उसमें आई, कृष्ण को लेकर मैया घर पर चली गई। श्रीधर स्वामी इस लीला को याद करते हुए कहते हैं कि भगवान ने पिछले अध्याय में ब्रह्मांड दर्शन लीला की, ब्रह्मांड का दर्शन कराया अपने मैया को अपने मुख में। यह बात आई है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह प्रश्न में तो हमारे सबके मन में आ गया होगा कि भगवान ने झूठ बोला है कि माटी खाई थी भगवान ने माटी खाई थी ना, लेकिन माता को क्या बोला कि अहम ना भक्षण, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, फिर झूठ क्यों बोला भगवान ने भाई, क्योंकि सत्य परम धीमहि है भगवान, फिर भी झूठ बोला। जिनके विषय में आया है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नीतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ने, जिनका सब कुछ सच है वो झूठ क्यों बोले, जिनका शरीर सत्य है, जिनकी वाणी सत्य है, जिनका नेत्र सत्य है, जिनके वचन सत्य है, जो सत्य परम धीमहि है वो झूठ क्यों बोले। माटी तो कृष्ण ने खाई थी, फिर ऐसा क्यों बोले कि नाहम भक्षितवान अम्बा, हे अम्बा अहम न भक्षितवान, हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ऐसा क्यों बोले। फिर माता ने पूछा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सर्वे मिथ्या भिषणशिना, जबकि सबको सब लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, कृष्ण मिट्टी खाई थी, सब लोग मिथ्या बोल रहे हैं, ऐसा भगवान ने क्यों बोला। और आगे भी माखन चोरी की लीला में भगवान बोलेंगे कि मैंने माखन नहीं खाया, ये सब क्यों, इसका कारण क्या है। देखिए आज तक जो भी भगवान ने कहा कभी झूठ नहीं कहा, क्योंकि कृष्ण झूठ बोलते ही नहीं, और जो कृष्ण बोलते हैं वही सत्य है, वही धर्म है। तो फिर ऐसा क्यों बोले कि ना हम भक्षितवान अम्बा, हे अम्ब हे माँ हम ना भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई, जबकि मिट्टी खाई थी भगवान। सबके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है ना, तो जब यशोदा ने पूछा कि कृष्ण तूने माटी खाई थी, तो कहने का भाव यह था भगवान का कि मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई है, माटी तो पूरी दुनिया ने खाई है, इस जगत में रहने वाले करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों करोड़ों जीवों ने खाई है, और ये शिकायत करने वाले दान ने भी खाई, ये सब बच्चों ने भी खाई है, और केवल इसी ब्रह्मांड में नहीं, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों ने खाई। सब लोग दिखाई दिए यशोदा को कृष्ण के मुख में, यशोदा भी दिखाई दी, वो बाल गोपाल भी दिखाई दिए, दाऊ भी दिखाई दिए, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भी दिखाई दिए। तो कृष्ण ने ये कहा कि माटी मैंने अकेले ने नहीं खाई, अरे माटी तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में रहने वाले सभी लोगों ने खाई, और भगवान को अपने भक्तों को इस सुंदर लीला का दर्शन भी कराना था भक्तों, इसीलिए भगवान ने ब्रह्मांड दर्शन लीला का दर्शन कराया। इस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर ब्रह्मांड दर्शन लीला किया, और अब आगे है दामोदर लीला, जो भक्तों को परम आनंद देने वाली लीला है, और विशेषकर भक्तों वैष्णव जगत के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ लीला है उखल बंधन लीला। जितने भी वैष्णव जगत के लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, उन्हें उखल बंधन लीला बड़ी पसंद है, अद्भुत लीला है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जब भागवत के मर्मज्ञ, भागवत के ज्ञाता
भागवत कथा सुनाते हैं, तो कथा सुनाते सुनाते इस कथा में जब पहुंचते हैं तो वे रुक जाते हैं। महीनों तक, सालों तक इसी केवल दामोदर लीला का श्रवण कराते रहते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि इस लीला में कृष्णम दामना बबंध था। पूरी दुनिया को माया के द्वारा नचाने वाले भगवान श्री कृष्ण को एक गोपी ने बांध दिया, जो अपने इशारे से केवल मनुष्य को ही नहीं, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, देवी देवता सब जीवों को नचाते हैं। कहते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण आर्षव भृत्य चेतन चरितामृत। कृष्णराज कविराज गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि इस दुनिया के केवल एक ही ईश्वर है और वो है कृष्ण, बाकी सब उनके नौकर चाकर हैं। यारे रचे नाचाए स्थित अच्छे करे नृत्य। कृष्ण जिस प्रकार सबको चाहते हैं, संसार के जीवों को नचाते रहते हैं। संसार के जीव उस प्रकार से नाचते हैं जिस प्रकार से कृष्ण नचाना चाहते हैं। जगत के जीवों को नचाने वाले भगवान श्री कृष्ण को इस इस अध्याय में यशोदा ने एक उखल में बांध दिया। अद्भुत कथा है, पूरे जीवों को बांधने वाले को यशोदा ने एक उखल में बांध दिया। अद्भुत कथा। इस कथा में एक भक्त के द्वारा भगवान उनके बस में हो गए। यद्यपि ये कृष्ण किसी के बस में होने वाले से नहीं है, बहुत चंचल हैं, परंतु भक्ति के द्वारा कृष्ण को अपने वश में किया जा सकता है, इसका वर्णन इस अध्याय में आएगा। वैसे विशेषकर इस कथा का श्रवण कार्तिक मास में किया जाता है, लेकिन हम लोगों, मैंने भी कार्तिक में ही शुरू किया था और यहाँ तक चला है, तो हम लोग एक बार इस कथा को यहाँ पर श्रवण करेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर जब कार्तिक आएगी तब हम इस कथा का श्रवण करेंगे। कहते भगवान जो अत्यंत चंचल है, जो पूरी दुनिया को नचाते हैं, उसे यशोदा ने एक उखल में बांध दिया। तब मानो हमारे मन में प्रश्न हो, भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? किसी को बांध देना ऐसी तो उसकी महिमा कम हो जानी चाहिए, भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? तब अनेक आचार्य अपना मत देते हैं। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य हिज डिवाइन ग्रेस होलीनेस श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, एक बार भगवान ने अपने धाम में बैठे बैठे सोचा कि मैं पूरी दुनिया को बांध कर रखा हूँ, सब लोग मेरे बंधन में बंधे हैं, मेरे इशारे से नाचते हैं, मुझे भी कोई बांधने वाला होना चाहिए। बंधन में बंध कर कितना दुख होता है, क्या कष्ट होता है, ये मुझे भी एहसास होना चाहिए। कृष्ण को लोभ हो गया कि किस प्रकार से व्यक्ति बंधन में रहता है, तो भगवान ने यह लीला की। आचार्यों के भाव है भक्त ऐसा। तो दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि वात्सल्य रस के उपासक श्रीपाद वल्लभाचार्य, जिन्होंने भागवत के ऊपर बहुत बड़ी टीका की रचना की और उन्होंने अपने दिव्य ग्रंथ का नाम दिया सुबोधिनी। तो वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी में लिखते हैं, कृष्ण ने दामोदर लीला क्यों की? कहते हैं, इस संसार में जगत के लोग शास्त्र पढ़ते हैं और भगवान को पाने के लिए शास्त्र का सहारा लेते हैं। जब ये जगत बना तब से ये शास्त्र है। इसमें क्या लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे आराध्य कौन है, हमारे पिता कौन है, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, और हमें उसे पाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो भगवान को पाने के लिए शास्त्र का सहारा लिया, लेकिन शास्त्र में वर्णित अनेक कर्म कांड, पूजा पाठ यज्ञ सब में फंस कर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये यज्ञ करूँगा तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, वो यज्ञ करूँगा तो बहुत बड़ा घर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कर्म कांड में फंस कर रह जाते हैं, वल्लभाचार्य जी कहते हैं, लेकिन समस्त शास्त्रों का सार है हरोर भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और इस बात को साबित मात्र और मात्र इस्कॉन संस्था के स्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी ने किया। श्री प्रभुपाद जी को संसार के लोगों ने एक उपाधि दी भक्त, क्या? तो भक्ति वेदांत की उपाधि थी, उनका नाम था अभय चरणारविंद, परंतु उनको उपाधि मिली थी भक्ति वेदांत की। भक्ति वेदांत क्या होता है?
श्री प्रभुपाद जी ने वेदों का सार, वेदों का अंत भक्ति ही है यह सिद्ध कर दिया, यह प्रस्थापित कर दिया कि वेदों का एकमात्र मात्र अंत, वेदों का मात्र एक और एक सार भक्ति ही है। इसीलिए उसका नाम ही हो गया भक्ति वेद अंत, भक्ति वेदांत स्वामी। तो शास्त्र का सार भगवान श्री कृष्ण कि भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण है। इस बात को साबित करने के लिए भगवान ने दामोदर लीला की, भगवान ने बताया कि शास्त्र का सार मैं हूं। तत्पश्चात एक और कारण बताते हुए भगवान ने दामोदर लीला किया, क्योंकि तीसरा कारण वल्लभाचार्य जी कहते हैं इस लीला के द्वारा एक भक्त का मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए। यदि इस लीला का कोई व्यक्ति ध्यान से सुनता है तो उसे इस कुंठित जगत को भूल जाता है, संसार को भूलकर अपनी समस्त इंद्रियां भगवान को लगा देगा। और जब एक भक्त संसार को भूलकर अपनी सारी इंद्रियां भगवान में लगा देगा तब भगवान भी अपनी सारा कुछ भूलकर उस भक्त के ऊपर सारी इंद्रियां लगा देगा, ऐसा वल्लभाचार्य जी का कहना। तब आचार्य ने प्रश्न उठाया कि हो सकता है इस लीला को सुनकर एक भक्त इस कुंठित जगत से मुक्त हो जाए, कुंठित संसार को भूल जाए। लेकिन भगवान कैसे भूल सकते हैं संस्कार को, उस भक्त के ऊपर अपनी सारी इंद्रियां कैसे लगा सकते हैं भगवान, वो तो पूर्ण है। तब कहते हैं भगवान में ऐसी क्षमता है कि वो एक साथ अनेक कार्य कर सकते हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवान में ऐसा गुण है कि वह एक साथ अनेक कार्य कर सकते हैं। भगवान में एक साथ दो विरुद्ध धर्म है और उस तत्व को दिखाने के लिए भगवान ने यह लीला की। दो धर्म, भगवान स्वतंत्र भी हैं और भगवान बंधे हुए भी हैं। भगवान यशोदा के द्वारा बंधे हुए भी हैं और भगवान क्षीर सागर में गर्भोदकशाही में सोए हुए पूरी दुनिया को हैंडल करते हुए मैनेज करते हुए भी हैं। एक साथ दोनों कैसे हैं ये दिखाने के लिए भगवान ने दामोदर लीला प्रस्तुत की। देखा जाए तो इस जगत का स्वतंत्र स्वामी ईश्वर हो, परंतु इसी के साथ साथ देखा जाए तो अपने भक्तों के साथ में बंधा हुआ भी हूं, मुझे कोई भी प्रेम से बांध सकता है। चौथा कारण बताते हुए श्रीधर स्वामी जी कहते हैं भगवान ने पिछले अध्याय में कृष्ण ने अपनी माँ को यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, तो हो सकता है कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करके, ब्रह्मांड को देखकर यशोदा को कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव उत्पन्न हो जाए, ऐश्वर्य भार्य हो जाए कि अरे बाप रे जिसको मैं अपना लाला मान दी थी तो भगवान निकला, तो ऐसा भाव यशोदा के मन में ना हो जाए। ऐसा हो गया तो कृष्ण को आनंद नहीं आएगा, कृष्ण का मन नहीं हो। कृष्ण ने कहा सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में ऐसी ब्रज की मीठी गाली, ब्रजवासियों की गालियां ब्रजवासी की गाली में उनके कान पकड़ने में जो आनंद है उतना आनंद ब्रह्म स्तुति में नहीं है। गोविंदम आदि पुरुषम त्वं भजामि में भी उतना आनंद नहीं है जो भगवान के सखा की गाली सारे में है। भगवान के सखाओं के डांटने का आनंद जितना भगवान को है उतना ब्रह्म स्तुति ही नहीं है। यदि मेरी माँ मुझे भगवान मानने लगेगी तो मेरा लालन पालन कैसे करेगी। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ लालन पालन करे, मैं चाहता हूँ कि मुझे स्नान कराए। यमुना जल मा केशर घोरी स्नान कराऊं श्याम नाम हल्के हाथों अंगो चोली लाड़ लगाऊं श्याम नाम। भगवान को बहुत पसंद है भक्तों कि कोई उनको स्नान कराए, कोई उनको तिलक कराए, कोई उनको वस्त्र पहनाए, कोई खाना खिलाए, कोई जल पिलाए, ये भगवान को बहुत पसंद है। यदि मेरी माँ मुझको भगवान मानने लगेगी तो मेरी सेवा नहीं हो पाएगा, अतः भगवान
पूर्व अध्याय में जो भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन दिखा कराया, वो ब्रह्मांड दिखाने पर यशोदा मैया को कहीं ऐश्वर्य भाई उदित ना हो जाए, इसलिए भगवान यशोदा के हाथों में इस अध्याय में बंध गए। अरे मैया, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो एक साधारण बालक हूं जिसे कोई भी बांध सकता है। तत्पश्चात पांचवा कारण, देखिए बहुत सारे कारण है, मैं कुछ ही कारण गिना रहा हूं। पांचवा कारण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त वत्सता बताना चाहते थे, भक्ति के द्वारा मुझे कोई भी अपने वश में कर सकता है। यद्यपि भगवान किसी के वश में होने वाले नहीं है, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान को भी बांधा जा सकता है। अतः भगवान ने दामोदर लीला किया और इस लीला का दर्शन कराया। इस प्रकार से मैंने सिर्फ आपको पांच ही कारण सुनाए, अनेक कारण है, अनेकों कारण है भगवान ने दामोदर लीला क्यों की। और इस लीला का जब वर्णन शुरू होता है तो भागवत कथा के वक्ता, मर्मज्ञ वक्ता, भागवत कथा को जानने वाला, भागवत को समझने वाले, भगवान को समझने वाला वक्ता इस प्रसंग में रुक जाता है। सो महीनों में रुक जाए, सप्ताह में रुक जाए, या फिर सालों में रुक जाए, या फिर कई कई सालों तक मात्र और मात्र इस दामोदर लीला के ऊपर ही रुक जाता है। तो आइए हम भी भगवान के दामोदर लीला को शुरू करें। दामोदर लीला की शुरुआत इस तरह से होती है भक्तों, कि गोकुल में रहते हुए सबके सबके मन को हरने वाले, कहते हैं मनोहर लीला यदि कृष्ण ने कोई की तो वो है माखन चोरी की लीला। कृष्ण ने व्रज में माखन चुराया। यद्यपि नंद बाबा के यहाँ माखन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये भगवान की अद्भुत लीला है। नंद बाबा के यहाँ 900,000 गाय थी, फिर भी भगवान माखन चुराने के लिए जाते थे बाहर। भगवान जब बड़े हुए, लगभग 3 साल 9 महीने के जब भगवान हुए, भगवान जैसे ही चलना सीख गए, उनका उत्पात मचना तो शुरू कर दिए थे। उत्पात मचाना जैसे ही वो 3 साल के हुए शुरू कर दिए। कृष्ण ने गोकुल में क्या क्या उत्पात मचाए, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी बड़े विस्तार में करते हैं। अपने सखाओं के साथ गोपियों के घर पर जाते थे, माखन चुराते थे, नित्य क्रम बन गया था ये माखन चुराना। तो एक दिन ब्रज के समस्त गोपियां एकत्रित होकर कृष्ण की शिकायत को लेकर यशोदा के पास गई। व्रज की समस्त गोपियां कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा के पास जाती है। सुखदेव जी इस प्रसंग का वर्णन दूसरों को भी करते हैं। गोपियां कहती है, अपनो कांवले नंद रानी, हम कहूँ अनग बसेरी जाय। अपनो गाँव ले नंद रानी, हम कहो अनग बसेरी जा। सुनी बांकर खोल के सांकर, सुनी बांकर खोल के सांकर, घर में यह घुस जाए अपने गाँव ले नंद रानी, हम कहो अनग पसेरी जाए। हम दधि बेचन जाए वृंदावन, हम दधि बेचन जाए वृंदावन, मेरो रास्ता घेरुआ, मेरो रास्ता घेरुआ, देखन में छोटो सो लागे, देखन में छोटो सो लागे, हाल बड़ो हो जाए अपनो गाँव लेव नंद रानी, हम कहो अनग बसेरी जाए। अपनो गाँव लेव नंद रानी, हम कहो अनग बसेरी जाए। बहुत सुंदर संतों ने भगवान की हर एक लीला को भजन में गाया है, शास्त्रोयुक्त भजन है भक्तों, बहुत सुंदर भजन है। कहती है, अपनो गाँव लेव नंदरानी, हम कहो अनग बसेरी जाए। हे नंदरानी, हे यशोदा, अपनी कान्हा को लेकर गोकुल से, गोकुल को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यदि तुम कान्हा को लेकर नहीं जाओगी तो हम लोग इस गाँव को छोड़कर चले जाएंगे।
क्योंकि कान्हा के रहते हुए हम इस गांव में चैन से तो नहीं रह सकते। सभी गोपियां शिकायत लेकर आती है। यशोदा कहती, मेरे लाला छोटा सा है, ठीक से चलना भी नहीं सीखा है और ये तुमको परेशान करता है। बोले हाँ। बोले क्या परेशान करता है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये तेरा लाला क्या नहीं करते हैं मैया, ये पूछो। जब हम गृह का कार्य करती हैं तब ये तेरा लाला कृष्ण हमारे घर में घुस जाता है और असमय बछड़ों को खोल देता है, सारे बछड़ों को खोल देता है और बछड़े अपनी माँ के पास जाता है और सारा दूध पी जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। यह सुनकर यशोदा मैया हंसने लगी, अच्छा मेरा लाला ऐसा करता है? यदि वह ऐसा करता है तो तुम्हें उसे डांटना चाहिए। तो किसी गोपी ने कहा कि मैया, हम इसे डांटते हैं तो मालूम है ये क्या करता है? ये हमको उल्टा ही डांटता है, ये हमारे ऊपर ही क्रोध करता है कि मैंने किसके बछड़े को खोला है, तुम्हारे ही बछड़े को खोला है ना, कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए तेरे घर पे लाया हूँ। बोल, मैं तो तेरे बछड़े को ही खोला हूँ, तेरा बछड़ा खुला है, तेरा बछड़ा ने दूध पिया तो बलवान किसका बछड़ा होगा? तेरा बछड़ा ही बलवान होगा ना, मेरा बछड़ा तो बलवान नहीं होगा। निर्दय क्रूर दुष्ट, कितना बछड़ा बेचारा सूख गया है, कितना दुष्ट है रे तू, बछड़े को दूध नहीं पिलाती है, कितना पतला हो गया है बेचारा बछड़ा, बिना दूध पिलाए मारते रहती हो, दुष्ट पापी कह के भगवान मुझे बहुत डांटती, उल्टा हम लोग को ही डांटती है, डांटता है ये। और जब हम बछड़े को बांधने के लिए घर में जाते हैं तो ये हमारे घर में घुस जाता है और घर में घुस कर क्या जाता है, क्या करता है? कहते घर में घुस कर ये माखन के मटके को कान्हाने मारो मटकी फोड़ी। घर में घुस कर ये माखन मटकी को ढूंढ लेता है, माखन के मटके को ढूंढ लेता है। यशोदा ने कही ये ढूंढ लेता है तो अपने माखन को, अपने माखन के मटके को अंधेरे कमरे में रखो, ढूंढ नहीं पाएगा। बोले मैया ये अभी करके देखा, लेकिन अंधेरे कमरे में रखते हैं तो तुम अपनी लाला को इतनी सुंदर मणि पहनाती हो कि इस मणि का प्रकाश से अंधेरा कमरा में भी उजाला आ जाता है। बोले तो एक काम करो, अपने मटके को ऊपर रखो, ऊपर बंद के रखो, नीचे नहीं उतार पाएगा। बोले मैया ये भी करके देखा, मटके को ऊपर रखते हैं तो ये उखल कर लेकर आता है और उससे उतार लेता है। बोले और ऊपर बांधो। बोले ये भी करके देखा, ऊपर बांधते हैं तो बाहर से लंबी लकड़ी लेकर आता है, दिखने में तो छोटा है मैया लेकिन इसकी बुद्धि तो देखो, उस लंबी लकड़ी से लेकर आता है और मटके के बीचों बीच छेद कर देता है और सब लाइन में लगकर अपना पेट भर लेते हैं। किसी गोपी ने कहा, मैया ये कृष्ण माखन खाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है, छोटा सा पेट है और इसके दो चार पाँच मित्र भी खाए तो हमें कोई परेशानी नहीं, कितना खाएगा, लेकिन ये अकेले नहीं, इसके साथ ही नहीं, पूरी टीम को साथ में लेकर आता है और टीम को लाए भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बंदरों को भी साथ में लेकर आता है, पूरे घर को बिगाड़ देता है मैया, तोड़ फोड़ पूरा करता है। कृष्ण ने सोचा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम था, इन बंदरों से बहुत मेहनत कराई थी, बहुत काम कराया था लेकिन वेतन नहीं दिया, इसलिए इस द्वापर युग में कृष्ण का रूप लेकर मैं आया हूं, यहां तो कोई मर्यादा नहीं, यहां पे अनलिमिटेड हूं, क्योंकि मैं अवतारने में तो खुद ही आया हूं, यहां पे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो बंदरों को सैलरी दे दी भगवान ने। त्रेता युग में कर्म का फल भगवान ने द्वापर युग में दिया। मैया ने कहा, अपने अपने माखन के मटके को छत के ऊपर बांधो, छत में लगाकर बांधो। तो गोपी ने कहा, मैया ये भी करके देख लिया, जब बहुत ऊपर बांधती हूं तो 10 मित्र इसके पीछे नीचे खड़े रहते हैं, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3 और सबके ऊपर तुम्हारा लाला खड़ा होता है। बहुत ऊपर मटकी को भी यदि बांधती हूं तो वहां से भी उतार लेता है। तो मैया ने कहा, सखी एक काम करो, यदि माखन चोरी होने का इतना ही भय है और तुम्हें अपने माखन की इतनी ही चिंता है तो कृष्ण को माखन दे दो, क्या हमारे घर पर माखन की कमी है? मैं तुम्हें वादा करती हूं, कृष्ण जितना माखन खाएगा उससे 10 गुना कम माखन मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन आज के बाद शिकायत मत करना। किसी गोपी ने कहा, मैया यह भी करके देखा, हमें तो पता ही है
ढाई बजे हो चुका है, ढाई बजे का समय हो चुका है, ये आने वाला है, ये आएगा तो पूरा घर बिगाड़ेगा, तोड़ फोड़ करेगा। इसलिए माखन की मटकी लेकर हम बाहर खड़ी रह जाती है। या आता है तो पूछते हैं, कृष्ण माखन खाओगे? तो जानती हो ये क्या कहता है, भिखारी समझ के रखा है क्या? ये हमको उपदेश देता है कि भिखारी समझ के रखा है, राजा का बेटा हूं, राजा का, भीख 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 नहीं मेहनत की खाएंगे। जानती नहीं चोरी करने में कितना मेहनत लगता है, कितने प्राण बनाने पड़ते हैं, कितना रिस्क लेना पड़ता है, कितना ऊपर चढ़ना पड़ता है, कितना समय बर्बाद करना पड़ता है। माखन खाओगे खाओगे, भिखारी समझ के रखा है, आज के बाद कहना मत, और तुझे चाहिए तो मेरे घर से आकर लेकर जाओ, आज के बाद कहना मत कि माखन खाओगे खाओगे, भिखारी समझ के रखा है। अब क्या करें मैया, देने पर तो खाता नहीं। मैया ने कहा, देखो इतनी ही दिक्कत है तो घर पर माखन रखो ही मत, घर पर माखन होगा तब ना चोरी होगी, तब ना ये चोरी करने के लिए आएगा, तब ना आएगा ये। तो किसी गोपी ने कहा, मैया वो भी करके देख लिया, मैया जिस दिन हम घर पर माखन नहीं रखते हैं उस दिन ये इतना श्राप देता है कि इस घर में मेरे खाने के लिए माखन नहीं है, मेरे खाने के लिए भोजन नहीं है, इस घर में इस घर के सारे लोग दरिद्र हैं, और नहीं है तो हो जाए, इस घर के लोग 21 पीढ़ी तक हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगे। मैया ऐसे ऐसे श्राप देता है, अब यदि इसकी वाणी सत्य हो गई तो हम तो गए ना काम से। इसीलिए नहीं रखने पर भी रखना पड़ता है। अब बताओ मैया, हमारे लिए कोई उपाय नहीं है मैया, अब आप कृष्ण को लेकर यहां से चले जाओ, नहीं तो हम ही चल जाएंगे। तब कृष्ण भी कहते हैं, मैया इसकी बातों में मत आना, ये सब झूठी है। तभी गोपी आगे आकर गई, कौन झूठी है, तू झूठा है कि हम लोग झूठी हैं? कृष्ण का कान पकड़ कर कहती है मैया, भगवान का कान पकड़ के कहती है, मैया ये देखने में छोटा लगता है, ये देखने में छोटा है, लेकिन जानती हो जब मैं पनघट पर पानी भरने के लिए जाती हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते मैया ये देखने में छोटा है, लेकिन जानती हो मैं जब पनघट पे पानी भरने के लिए जाती हूं तो जानती हो ये क्या कहता है? ये कहता है कि मेरे से शादी करोगी? पूछो इसको, इसको शादी का मतलब भी जानता है ये क्या, शादी क्या होती है इसे पता है? कृष्ण कहते हैं, मैया ये सब लोग झूठे हैं, ये सब लोग प्लान बना के आई है, और मैंने इसका प्लान सुन लिया है। मैया जब मैं कहीं से जा रहा था तो ये सब लोग बैठी थी और कह रही थी, प्लान बना रही थी कि देखो कृष्ण बहुत अच्छा लड़का है और बहुत सुंदर लड़का है, कृष्ण की शादी कहीं होने नहीं चाहिए। भगवान झूठ बोल रहे हैं, पूरा झूठ बोल रहे हैं कि यदि इसकी शादी कहीं हो गई तो कृष्ण हमारा नहीं रहेगा, तो ऐसा क्या करे कि कृष्ण की शादी ना हो? तो कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं ताकि कोई इसके साथ शादी नहीं करेगा, ये मेरी शादी ना होने देना चाहती है मैया, इसलिए ये शिकायत लेकर आती है। मैया इसकी बातों में मत आना, बता तेरा बेटा कभी चोरी कर सकता है क्या? मैया को इमोशनल अत्याचार है लगे। देखा जाए भक्तों तो कृष्ण की यही लीला व्रजवासियों को आनंद देने वाली थी। संसार में वो मूर्ख लोग हैं जो कृष्ण की इस लीला को नहीं समझ पाते हैं और कहते हैं कृष्ण ने चोरी की, ये की, वो की, ऐसा किया वैसा किया। देखा जाए तो गोपियां चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर में आकर माखन चुराए और हम लोग शिकायत लेकर कृष्ण के घर पर जाएं और कृष्ण का दर्शन करें। आप इसे साधारण सा ले लो, हम घर में भोग लगाते हैं, प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं, मंदिर में या भगवान को भोग लगाते हैं, किसके खाने के लिए भोग लगाते हैं? भगवान के खाने के लिए, ठीक है। भगवान तो ऐसे झूठा करते ही है, भगवान देखते हैं हम कि जब भगवान को हम स्पर्श करते हैं, प्रसाद देते हैं और जब पट बंद करते हैं तो ये तो निश्चित ही है कि भगवान अपना जीवा उस भोजन में स्पर्श कराते हैं और वो भोजन प्रसाद भगवान का झूठा हो जाता है, जिस कारण से वो प्रसाद बन जाता है और भी स्वादिष्ट हो जाता है।
लेकिन यदि उस थाली से एक रोटी भगवान खा जाए तो हमें कितनी प्रसन्नता होगी। ऐसा तो नहीं करेंगे, अरे भगवान के लिए हम भोजन लगाए थे, भगवान एक रोटी चुरा लिए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। हम तो चाहते हैं कि भगवान आकर खाए। तो गोपियां चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर पर आए, कृष्ण आकर खाए, माखन खाए। राह देखती थी भगवान कब आ रहे। गोपियां शिकायत करती थी, और इसलिए शिकायत करती थी जाके कि कृष्ण का दर्शन कर सके। और जब गोपियां शिकायत करती थी तो कृष्ण अपनी सफाई देते थे, मैया तुम इनकी बातों में मत आना, तेरे संस्कार जिसको मिला मिल रहा हो तो वह क्या कभी चोरी कर सकता है क्या? मैया को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, तेरा संस्कार जिसको मिला है वह कभी चोरी कर सकता है क्या? मैया बता, तूने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि चोरी करके आना? कभी नहीं, मैं तो स्वप्न में भी चोरी नहीं के विषय में सोच नहीं सकता। मैया हमारे घर पर माखन की कमी है क्या? 900,000 गाय है हमारे घर पर, इतना सारा माखन कभी चोरी नहीं करता हूं। और ये लोग, इनको तो कोई काम ही नहीं है मैया, इनको इनका तो काम ही है शिकायत करना, इसको और कोई काम धंधा नहीं है, मेरी फजीयत करती रहती है बस। व्रज के भक्तों ने बहुत सुंदर लिखा है भक्तों, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वाले ने घर में मोर, कि मैया मैं जब घर से निकलता हूं तो ये ग्वालिन मुझे बुलाती है, और मालूम है बुलाकर क्या कहती है? अरे तू तो मेरा देवर है, अचक हाथ गाली दे के मीठी बोले देवर कह के, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वाले ने घर में मोर। इस प्रकार भगवान बहुत सुंदर अपने तरफ से रखते हैं, अपनी सफाई देते हैं, उसका वर्णन हम लोग अगले सत्र में छोड़ेंगे। अभी कुछ देर के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आज की कथा का हम यहाँ पे विराम देंगे। किन्हीं को बजाने आता है? बजाने को आइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम ओ राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे Thank you.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे अंगना आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे अंग बुलाइए बुलाइए, भगवान निकले हैं माखन के लिए, अपने घर पे बुलाइए। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, मीठी मीठी आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो,
राधा रमन हरि गोविंद बोल हो राधा रमन राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा जय श्री राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा प्रभु पद प्रभु पद शिल प्रभु पद जय जय प्रभु पा प्रभु पा प्रभु पा प्रभु पा जय जय प्रभु पा प्रभु पा प्रभु पा प्रभु पा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्रेम से बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवत पुराण की श्री ग्रंथराज श्रीमद्भागवत पुराण की युग धर्मराज हरिनाम संकीर्तन की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमती राधारानी की श्री गौरंग महाप्रभु की श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण।